मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्यों 18 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार के हालात इतने बदतर हैं। जहां एक तरफ आप देश का नेतृत्व करने की आप सोच रख रहे हैं, तो वहीं क्यों आपके प्रदेश के हालात इतने बदतर हैं? विपक्ष की बैठक पर चिराग पासवान का बड़ा सवाल। देखिए, पटना में विपक्ष की बैठक कल थी और चिराग पासवान ने बड़े सवाल किए हैं। चिराग पासवान ने कहे कि विपक्ष पार्टी में जिस तरीके से लोग आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, कई बड़े नेता मंत्री आए हैं, उन सीएम नीतीश से एक ही सवाल पूछे, क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? पुल पर पुल गिर रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी, जिस तरीके से शिक्षा चौपट करके रख दिए हैं, ये सवाल करना चाहिए। दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते हैं रोजगार करने के लिए, अपने रोजगार खोजने के लिए, रोजी रोटी के लिए, क्या नीतीश से यह सवाल करना जरूरी नहीं है? बिहार का भविष्य अंधकार में है, पिछड़ा है, लेकिन सीएम नीतीश विपक्ष की बैठक में बिजी हैं। सारे विपक्ष बैठक में जो नेता मंत्री आए थे, सीएम नीतीश से यह सवाल करना चाहिए। क्या कुछ कर रहे चिराग पासवान, जरा सुनिए। आज पुनः विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। मैं चाहता हूं कि जितने भी विपक्षी दल के नेता बिहार आए हैं, विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछें। वो मुख्यमंत्री भी उनसे सवाल पूछे जिनके राज्यों में सबसे ज्यादा बिहारी युवा जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वो पूछें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्यों 18 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार के हालात इतने बदतर हैं, क्यों बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्यों बिहार में अपराध अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ, क्यों भ्रष्टाचार की देन बिहार की हर योजना चलती है, जहां एक तरफ पुल हवा में गिरता है तो वहीं दूसरी तरफ बांध को चूहे कुतर जाते हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का पूछना जरूरी है। पूछे उनसे कि जहां एक तरफ आप देश का नेतृत्व करने की आप सोच रख रहे हैं, तो वहीं क्यों आपके प्रदेश के हालात इतने बदतर हैं, क्यों यहां पे 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक जाता है, क्यों स्वास्थ्य के हालात यहां पर इतने खराब हैं, क्यों किसानों के हालात इतने खराब हैं, क्यों मजदूरों के हालात इतने खराब हैं। जिन मुख्यमंत्री के पास अपने राज्य को विकसित करने की कोई सोच ना हो, वो देश का नेतृत्व करने की सोच रखते हैं, ये अपने में बहुत हास्यास्पद है और मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।